अक्टूबर साल 2014 को डेप फॉर नामक एक स्कूबा डाइवर डाइव करते हैं बूफमैन सिंकहोल में। उन्होंने 270 मीटर डाइव किया और पिछले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन इसी के साथ सिंकहोल की डीपेस्ट पॉइंट में उनको मिला एक डेड बॉडी। ऑक्सीजन कम होने के चलते डेप फॉर वापस सरफेस पे लौट आते हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो बॉडी डियोन ड्रेयर नामक एक स्कूबा डाइवर का है, जो 10 साल पहले उस सिंकहोल में गायब हो गया था। डेप फॉर ड्रेयर की फैमिली को प्रॉमिस करता है कि वो बॉडी वापस ले आएंगे। अपना वादा निभाने के लिए 8 जनवरी साल 2015 को डेप फॉर फिर से डाइव करता है उस सिंकहोल में, लेकिन इस बार उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स कर जाता है और वो सिंकहोल में ही अपना दम तोड़ देता है।